हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बायजर आर्ट के। आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। यहां पर फ्रेंड मैंने 2 से 3 गेमिंग लैपटॉप्स निकाले हैं। यहां पर फ्रेंड मैंने जो गेमिंग लैपटॉप्स निकाले उनमें मेरे को बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने मिला। यदि आप उन स्पेसिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाली बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमें सबसे पहला लैपटॉप मिला वो मिला मेरे को एसर की तरफ से। एसर का निट्रो AM5151। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमें इंटेल का i7 7th जनरेशन का HQ परफॉर्मेंस के साथ मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमें i7 7th जनरेशन का प्रोसेसर देखने यहाँ पे मिल जाता है HQ परफॉर्मेंस के साथ। तो फिर यहाँ पे हमें HQ परफॉर्मेंस मिलती है जिसमें हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यहाँ देखने मिलते हैं। बात करें फिर यहाँ पे हम इस लैपटॉप के रैम की, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें 16 GB की रैम मिलती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की, तो यहाँ पे हमें 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे 128 GB की SSD भी मिलती है। यहाँ पे बात करें हम सबसे इम्पोर्टेंट आइटम की, जो है ग्राफिक कार्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें NVIDIA का GTX 1050 Ti मिल जाता है 4 GB वाला। फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें 1050 Ti की, तो यहाँ पे हमें 768 के करीब स्कीवा पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड ये मैं बात करूं गेमिंग की, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें गेमिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके प्राइस की, तो 83,000 के अप्रोक्स यहाँ पे मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में हमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे देखने मिल रहा है। 7th जनरेशन का i7 प्रोसेसर यहाँ देखने मिल रहा है। फ्रेंड 7th जनरेशन में आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें 7th जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें HQ परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स भी देखने मिलेंगे। फ्रेंड बात करें हम यहाँ पे प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पर हमें 2.8 GHz के यहाँ पे हम प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। तो फ्रेंड यदि आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप भी हाई क्वालिटी वाले ग्राफिक्स वाले गेम को खेलना चाहते हैं तो आप इस लैपटॉप को जरूर बाय करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहाँ से आप लिंक को फॉलो करके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड बात करें इसी मॉडल के वेरिएंट की, तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएंट यहाँ पे देखने मिले। अब फ्रेंड यदि हम इस लैपटॉप को कंपेयर करें एक बहुत ही अच्छे लैपटॉप से, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें MSI की ओर से बहुत ही अच्छा लैपटॉप देखने मिला जिसका मॉडल नंबर है GL638RD455IN 2018 का एडिशन। फ्रेंड बात करें यहाँ पे इसके हाइलाइट्स की, तो यहाँ पर हमें i5 प्रोसेसर मिल जाता है 8th जनरेशन का। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 8 GB की रैम मिल जाती है। SSD की बात करें तो यहाँ पे हमें 128 GB की SSD मिल जाती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की, तो यहाँ पे हमें 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है। 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है हमें 1050 Ti। और यहाँ पे फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मिल जाती है हमें MSI की ओर से, MSI की ब्रांडिंग। तो फ्रेंड आप जानते ही है MSI गेमिंग को लेकर कितना सीरियस रहता है और गेमिंग में हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस देखने मिलती है हमें MSI के लैपटॉप में। तो यहाँ पे फ्रेंड MSI के GL63 में भी बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाता है। और फ्रेंड बात करें यहाँ पे इनके बजट की, तो फ्रेंड इनका बजट भी हमें बहुत ही लो मिल रहा है दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में और बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करें फ्रेंड MSI के GL63 की, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें 2.3 GHz की CPU की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है और 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम डिस्प्ले की, 15.6 inches के यहाँ पे हमें डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है। तो फ्रेंड इन दोनों लैपटॉप में हमें बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिला। फ्रेंड यदि आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप सिर्फ गेमिंग को ही गोल कर रहे हैं और गेमिंग को ही आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप इन दोनों लैपटॉप में से एक लैपटॉप को बाय कर सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप में आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहां से जाके आप इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। अब फ्रेंड जो मैं अगला लैपटॉप आपके लिए बता रहा हूँ कि यदि आपका बजट थोड़ा सा कम है, ज्यादा हाई लेवल वाले ग्राफिक्स गेम नहीं खेलना चाहते, या फिर आप गेम खेलना पसंद तो करते हैं लेकिन आप इतने बजट तक नहीं जा सकते, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एसर का निट्रो AM515NM। ये सेम ही मॉडल है जो हमें 80
2000 रुपीज में फर्स्ट वाला लैपटॉप मिल रहा था, ये उसी का वेरिएंट है। बस यहाँ पे फ्रेंड हमें प्रोसेसर देखने मिल जाता है i7 की जगह i5, वहां पे हमें 1 TB के हार्ड डिस्क के साथ 128 GB की SSD मिल रही थी, यहाँ पे फ्रेंड हमें SSD नहीं मिलती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पर रैम की, तो यहाँ पे हमें 8 GB की रैम मिल रही है, उसमें हमें 16 GB की रैम मिल रही थी। बात करें फ्रेंड इसके प्राइस की, 76,000 रुपीज करीब की हमें लैपटॉप मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पर हमें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो हमें i5 प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी मिलती है वो मिलती है 2.5 GHz की। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड में हमें मिल रहा है 1050 Ti 4GB वाला। तो फ्रेंड इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो फुल स्पेसिफिकेशन हमें पहले लैपटॉप की तरह यहाँ पे मिलता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे इस लैपटॉप की सजेशन की, तो यहाँ पे फ्रेंड ये लैपटॉप मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल गेमिंग यदि खेलना चाहते हैं, ग्राफिक कार्ड तो आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपको 16 GB की बजाय 8 GB की रैम मिल जाती है। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन इसका भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी यदि आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अगला लैपटॉप है एसर का नेट्रो 4। फ्रेंड ये तीनों ही लैपटॉप सेम मॉडल के हैं, लेकिन तीनों ही लैपटॉप में हमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही हमें अलग अलग देखने मिल रहा है। फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम एसर नेट्रो 5 कोर i7 की, तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमें i7 का प्रोसेसर मिल रहा है वो हमें 8th जनरेशन का प्रोसेसर यहाँ देखने मिलता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की, तो 1 TB की यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हमें DOS मिलता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पे हमें 2 GB का MX150 ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो ये फ्रेंड यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हो और यदि फ्रेंड आप नॉर्मल FPS पे गेमिंग खेलना चाहते हो, 30 FPS टू 30-35 FPS की आप गेमिंग खेलना चाहते हो, तो फ्रेंड ये लैपटॉप आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाता है, 8th जनरेशन i7, 8 GB की रैम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, 1 TB की यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क देखने मिल जाती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड में फ्रेंड यहाँ पे हमें एनवीडिया का MX150 मिलता है। फ्रेंड अब MX150 है, इसको हम कंपेयर करते हैं एक GTX के बहुत ही अच्छे ग्राफिक के साथ, तो यहाँ पे फ्रेंड जो GTX का 980 है और यदि हम बात करें GTX का 1030, तो यहाँ पे हम 1030 से थोड़ा सा कम कोर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें 780 से थोड़े से ज्यादा परफॉर्मेंस देखने यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्रेंड इन दोनों प्रोसेसर के बीच की स्पेसिफिकेशन रखता है, तो यहाँ पे फ्रेंड MX150 में हमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी फंक्शन यहाँ पे हमें देखने मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें CUDA कोर्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं, GPU बूस्टर यहाँ पे हमें मिलता है, साथ में हमें फिजिकल एक्स, ऑप्टिमस, डायरेक्ट एक्स 12 भी मिलता है। तो फ्रेंड इस बजट में हमें GPU में भी बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल रहा है। और फ्रेंड बात करें यदि वीडियो एडिटिंग की या नॉर्मल गेमिंग की, तो आप इन दोनों को ही इस लैपटॉप से पूरी कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम पोर्ट की, तो यहाँ पर हमें टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है और यहाँ पर हमें 3.1 के पोर्ट भी देखने मिल जाते हैं। तो फ्रेंड आप इस लैपटॉप को भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है, वीडियो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें नॉर्मल गेमिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 30-35 FPS देखने मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे तो फ्रेंड ये है लैपटॉप गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। यदि आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।